राहुल गांधी पर फिर कायम हुआ मानहानि का मुकदमा। इस बार ये अपशब्द बोल गए राहुल गांधी। राहुल गांधी और आरएसएस के बीच हो गया घमासान। इस बार राहुल की राह नहीं होगी आसान। सुनिए पूरी खबर और जानिए राहुल गांधी की गलती या गलतफहमी। कांग्रेस को दिलाएगी मात या बीजेपी हार जाएगी। इस साल लगता है कि राहुल गांधी पर मुकदमों की बौछार हो रही है। वो कभी जानबूझकर तो कभी बिना सोचे समझे ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि उस पर महाभारत खड़ी हो जाती है। राहुल के इस तरह के वक्तव्य को लेकर जानकारों में दो राय है, जिसमें एक तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी सत्ता पार्टी के मुखर विरोधी है और सत्ता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करते रहते हैं, तो वहीं कुछ का ये भी मानना है कि भारत में कांग्रेस पार्टी की हार के चलते राहुल गांधी बौखला गए हैं और अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इसी वजह से उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब इसमें भी दो राय हैं, जिसमें एक राय तो ये है कि लोग मानते हैं कि बीजेपी राहुल गांधी पर मुकदमा करवाकर राहुल गांधी को जनता के सामने हीरो बना दे रही है, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस तरह के मुकदमेबाजी से राहुल की छवि धूमिल होती है और कांग्रेस का बना बनाया सम्मान भी बिगड़ जाता है। और इसी क्रम में एक बार फिर राहुल गांधी अपने दिए गए बयान के कारण एक नए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दरअसल राहुल गांधी पर मानहानि का एक और मामला दर्ज हुआ है। ये मामला तब का है जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी, जिसके कारण राहुल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट में आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया की शिकायत पर वकील अरुण भदौरिया ने केस दर्ज कराया है, जिस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होनी है। दरअसल राहुल ने 9 जनवरी 2023 को हरियाणा के अम्बाला में भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आरएसएस के सदस्य 21वीं सदी के कौरव हैं। राहुल ने कहा था कि कौरव कौन थे, मैं आपको सबसे पहले 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताऊंगा। वे खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, साथ में लाठी रखते हैं, भारत के 2-3 अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। विदित है कि पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी सभी चोरों के पास मोदी सरनेम की टिप्पणी के खिलाफ मानहानि के मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 504 के तहत सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। उनकी सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी और इसी के बाद राजनीति में भूचाल सा आ गया था। और अब जब एक बार फिर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा होने की बात सामने आई है, तो भारत की राजनीतिक हवा एक बार फिर से गर्म हो गई है और इस गर्म हवा में तमाम राजनीतिक नेताओं को एक दूसरे पर तंज कसने का मौका मिल गया है। और इन्हीं गर्म तरंगों से चलने वाला फोन का इंटरनेट भी इन नेताओं और राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए अस्त्र बन गया है और इसी अस्त्र रूपी बाण से राजनीति में रुचि रखने वाले खूब चटकारे लेकर सोशल मीडिया पर शब्दों की बौछार उड़ेल रहे हैं।